30 सितंबर वेनेसडे एंड आज मैं जल्दी उठ गया 1 घंटे पहले। और ये जल्दी उठने का कारण मैं खुद से नहीं उठाऊँ, मेरी मम्मी की दो हरकतें के मतलब मम्मी ने दो तीन ऐसी एक चीज़ कर दी जो मुझे उठना पड़ा। तो अब उठ गया तो देखता हूँ क्या करूँगा मैं। एंड जैसे आज कल कहा था मैंने कि मेरे को ब्रेड खानी थी, बट मैं आज भी नहीं खा रहा आलस के चक्कर में। ये भी आलस भी कम करना पड़ेगा धीरे धीरे, मेरे को चीज़ें करनी पड़ेगी, लानी पड़ेगी खाने के लिए। तो आज भी नहीं, कल देखते हैं। और खाने के लिए आज क्या खा रहा हूँ मैं देखता हूँ, और खाऊँगा वो दिखा दूँगा। फ़िलहाल तो अभी फुल पंप है, ये बाइसेप सब पेन कर रहा है मैं। एंड आज ट्राइसेप का डे, सो मिलते बाद में। तो मैं 10 बजे उठ गया था। 10 बजे उठने के बाद वही वापस केले दूध एंड बादाम खा के फिर से सो गया मैं। और सोया इसलिए क्योंकि बैठे बैठे फ़ोन देख रहा था और सडनली नींद आ गई। और फिर अभी 12:30 में वापस उठाऊँगा। सो चलो अच्छा, 2 घंटे की नींद और मिल गई। और अभी उठते देखते क्या करना है। ये देखो मैं, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड हुदैफा। ये हमारी सेकंड क्लास की फ़ोटो है और ये हमारी क्लास टीचर थी जेनिफर मिस। लिटरली एक क्राफ्ट की मिस जरूर थी, बट बहुत मारती भी बहुत थी हमको। और इसमें से मैं यहाँ पे हूँ शायद, ये रहा फोकस। इसमें से मेरे बहुत से बेस्ट फ्रेंड थे, बट अभी मुझे याद नहीं है कि कौन मेरा बेस्ट है, बट एक याद है, ये हुदैफा। और इसको तो आप जानते होंगे ये कौन है। ये सेकंड क्लास, अब ये थर्ड क्लास की फ़ोटो हिना, ये रहा। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड थी एक टाइम पर, तानवी, स्कूल में खाली। और ये भी मेरा अच्छा दोस्त हुआ करता था, थर्ड स्टैंडर्ड में मेरा दोस्त अच्छा बना था ये। और ये हुदैफा, ये भी अच्छी फ्रेंड थी मेरी, ये मेरे बस में आया करती थी, ये शगुन। अभी पता नहीं सब कहाँ है, सब बिखर गए। ये भी अच्छा था दोस्त मेरा। ये फोर्थ, ये नया मिस थी शायद, और इसके पास मैं ट्यूशन भी जाया करता था, मुझे याद है शायद। ये नया मिस ही है और यहाँ पे मैं ये रहा, और यहाँ पे भी हुदैफा होगा शायद। हाँ ये रहा। ये कौन है भाई, ये लक्ष्य है शायद। नाउ इट्स फिफ्थ स्टैंडर्ड। ये फिफ्थ स्टैंडर्ड में ये सर ज़रूर थे, बट नाम के सर थे मैथ्स के, इनकी कोई नहीं सुनता था, इनकी खिली ज़्यादा उड़ाते थे। सॉरी टू से बट इट्स ट्रूथ। यहाँ पे मैं कहूँ ये रहा, यहाँ पे ये रहा। ये भी फिर मेरा ये दोस्त अच्छा बना, ये हुदैफा, स्वप्निल और मैं। एक बोल सकते हो कि ट्रायंगल का ग्रुप चलता था हमारा, तो हुदैफा और ये दो लाइक मुझे एनी टाइम चिढ़ाते थे, मारते थे, ये होता था। बट ये आज भी यहाँ पे रहते हैं VIP में, एक दो बार मिला। ही इज़ ऑल्सो माई वेरी बेस्ट फ्रेंड। सो ये 6th स्टैंडर्ड के बाद मेरे प्रिंसिपल बदल गए, टीचर तो हर साल बदलती, और उसके साथ सारे दोस्त भी बदल गए थे। लाइक ये जो एक यहाँ पे मतलब हर एक ऐसा था कि नहीं, 6th स्टैंडर्ड में आने के बाद हमारे प्रिंसिपल भी बदल गए और टीचर तो हर साल बदलती है, बट मेरे सारे फ्रेंड नए हो गए थे उस टाइम। सो ये सर जो प्रिंसिपल, ये 6th स्टैंडर्ड में आने के बाद हमारे प्रिंसिपल सर भी बदल गए थे, रॉबिन नाम था। एंड यहाँ पे मेरे सारे दोस्त भी नए हो गए थे, बट ये रहे दो रैंकर, ये भी अच्छा, इससे हम सब नोट लेते थे। और ये मेरे पास में रहता था उस टाइम, तो इससे मैं हर एक नोट लेता था और कॉपी करता था। एंड ये भी, इसकी मम्मी शायद इडली अच्छी बनाती थी, तो हम इसका टिफिन उसको फोर्स करते थे लेके आते। और ये दो अच्छे फ्रेंड साथ में खड़े और मैं यहाँ पे हूँ। और ये बेचारा पता नहीं, इसको बहुत छेड़ते थे, इसकी थोड़ी दिमागी प्रॉब्लम थी, बट छेड़ते बहुत थे हम। सो अब मुझे और याद नहीं है, ये भी मेरा अच्छा फ्रेंड था उस टाइम, जय मिस्त्री शिवम। शिवम अमेरिका में चला गया अभी, तो मुझे कुछ कुछ बातें याद है, कुछ कुछ मैं भूल गया हूँ। एंड देन 7th में ये मिस कम मॉडल ज़्यादा दिखती थी, टू बी फ्रैंक।
इस मैम का नाम भूल गया मैं, पता नहीं क्या नाम था। एंड ये प्रिंसिपल वापस आ गई तो वो एक समाज प्रिंसिपल थी। एंड ये हमारी नहीं सॉरी ये मेरा ये फाद मैं ये आज़ाद और अरकान कहाँ गया? एक अरकान मिसिंग है। हम चारों अच्छे दोस्त थे और हम साथ में बैठते थे। सो ये थी हमारी एंड ये सब सेम वापस 8, 10, 9 सबकी। और यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट शायद ये ड्राइंग का था, इसका सर्टिफिकेट मिला था। ये सर्टिफिकेट है अप्रिसिएशन का, पता नहीं स्कूल इंडिया पता नहीं किस चीज़ का था। यहाँ पे जूनियर और ड्राइंग में मेरे को टिक दिया है, मतलब उस टाइम ड्राइंग में करता था और पसंद थी इसलिए मैं करता था। और ये बात कुछ गया अथिल सर के भी देख लो, ये मेरे सारे टीचर और ये थे, ये मेरा पूरा बैच। और ये देखो ये राम इस टाइम भी उदीफा था बट अभी दिख नहीं रहा है इसमें कहाँ है ये, बट ये मेरा बेस्ट है इस नर्सरी का। डांस में भी, एरोबिक्स में भी, कराटे में, एक्शन सॉन्ग्स में भी, ये बाद में एक्शन में भी, गेम्स पॉइंट में भी क्वार्टर में भी। ये पता नहीं कौन सी गाय है, जूनियर के जी का है सीनियर पता नहीं। ये मेरे भाई का है, ये भी भाई का है, ये भी भाई का है, ये भी भाई का है। सो ख़त्म। ये मेरा छोटा भाई। इट्स 2 o'clock एंड आज खाना खाने में थोड़ी सी लेट हो गई। आई मीन 2 बज गए, 12 बजे उठा था इसलिए खाने की इच्छा नहीं हुई तो अब खा रहा हूँ मैं। तो आज खाने में कुछ नया है, आज खाने में ये एक गोभी है। सो आई नो दैट मैंने अभी तक लाइफ में मैं गोभी नहीं खाई है, फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। एंड ये ग्रड ये मलाई है, ये नॉर्मल है। एंड रोटी एंड ये पनीर की सब्ज़ी रात को बची थी उसके साथ ले रहा हूँ कि इसके साथ थोड़ा कॉम्बिनेशन बैठ जाए। सो खा लूँ बहुत बड़ी बड़ी बात। सो अब वर्कआउट टाइम, इट्स 4 o'clock एंड आज ट्राइसेप है। सो ट्राइसेप के वही सेम 7 सेट मानने और 3 × 20 बस हुई। तो लेट्स स्टार्ट। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes too. So workout completed and cycling also completed. But complete हुआ but बोलते हैं ना मैं बता नहीं सकता इन वर्ड्स मेरे को कितना पेन हो रहा है। मतलब रेगुलर एक्सरसाइज वो भी इतना इंटेंस, आप समझ जाओ मेरी वर्डिंग से समझ रहे हो। तो मतलब बहुत इंटेंस वर्कआउट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मतलब साइकिलिंग भी करता हूँ तो पैर भी अलग दर्द होता है एंड शोल्डर बाइसेप ट्राइसेप 3 दिन हो गए तो तीनों बोलते हैं भयंकर दर्द हो रहा है। आई कांट एक फ़ोन भी नहीं उठा सकता इतना दर्द हो रहा है। ट्राइपॉड भी पकड़ा है वो मुझे पता है। कोई नहीं, ये दर्द अच्छा है, मेरे को मज़ा आती है दर्द में, ये दर्द अपने मीठा दर्द बोल सकते हैं। सो बाइसेप अभी तक पंप है, शोल्डर भी अभी तक पंप है एंड ट्राइसेप तो अभी मारा है। सो कुछ पता नहीं चल रहा है, एकदम बोल रहे हैं ऐसा हो गया अभी तो। कोई नहीं, जैसा भी है तैसा भी है, मज़ा आ रही है। सो अब देखते क्या करते हैं। डिनर टाइम एंड डिनर में मैं कोई हरी पीली या नीली सब्जी नहीं खा रहा हूँ। आई मीन टू से कोई वेजिटेबल नहीं खा रहा हूँ, ये सिर्फ साधारण पोहे खा रहा हूँ। बिकॉज आज थोड़ा सा मन भी नहीं है और थोड़ा सा शरीर इतर बितर हुआ, सिस्टम हिला हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा रेस्ट ले लूँ। और रेस्ट नहीं है, मतलब ये भी ठीक ही, इतना ख़राब भी नहीं है, इसमें भी नॉर्मल एक पोलाइट
लाइट एकदम डिनर हो गया एंड दही भी है, सो बैलेंस हो जाएगा। सो बस भूख लग रही है बहुत भयंकर वाली, सो अब खाता हूँ देखते। सो भाई डे 3 ऑल्सो सक्सेसफुली कम्प्लीटेड एंड अब बस 10-15 मिनट वॉक एंड रात को वही मिल पी के लगभग 12:30 अराउंड 1 बजे तक मैं सो जाऊँगा। सो बस पैर हाथ बहुत ज़्यादा दुख रहे और रिटायर सब अच्छे से दिख रहा है, आज पंप है। कोई डे 3 मिलते डे 4, टिल देट बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।